हाँ जी बेटा, आज की क्लास में बेटा हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेटा पहले वर्किंग रूल लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, वर्किंग रूल में बेटा जो सबसे पहला स्टेप है, फाइंड द मॉडल क्लास मॉडल क्लास कौन सी होती है जी? मॉडल क्लास इज दैट क्लास हुज फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम। हाँ जी बेटा, मॉडल क्लास आपको सबसे पहले देखनी है। जैसे मीडियन में मीडियन क्लास निकालते थे, यहाँ बेटा मॉडल क्लास। बट डिफरेंस क्या है, मीडियन क्लास में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी, मोड में बेटा कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी। मोड में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। मॉडल क्लास आने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? हाँ जी बेटा, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, हाँ जी बेटा आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यूज कौन सी होंगी? हाँ जी बेटा, एक तो आपको निकालना है F1, एक बेटा F0, एक आपका F2। हाँ जी बेटा, एक बेटा आपका L और एक I। अब इनके मीनिंग पहले सुन लो। L का मतलब क्या है? L का मतलब बेटा वही है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आई आई बेटा क्या है? आई का मतलब विड्थ, विड्थ कह लो या डिफरेंस कह लो, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है जी, विड्थ का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हाँ जी बेटा, अब F1 बेटा क्या है? F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, प्री का मतलब बेटा मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास। और F2 का मतलब है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। हाँ जी बेटा, पोस्ट का मतलब होता है बाद वाली, प्री का मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली और पोस्ट का मतलब बेटा बाद वाली। लो मैं लिख देता हूँ इसको। हाँ जी बेटा, कहीं आप भूल जाओ, पोस्ट का मतलब बाद वाली, मॉडल क्लास से बाद वाली, या नेक्स्ट भी कह सकते हो, नेक्स्ट क्लास मॉडल क्लास है। और प्री का मतलब प्रीवियस क्लास, प्री का मतलब बेटा बिफोर, बिफोर कह लो या मॉडल क्लास से पहले वाली, प्रीवियस क्लास। ठीक है जी, उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। थर्ड स्टेप में बेटा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप एक वैल्यू निकालोगे, Δ1। हाँ जी बेटा, Δ1 और Δ2, Δ1 और Δ2। Δ1 बेटा क्या है? Δ1 है F1 माइनस F0 का डिफरेंस और उसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। F1 माइनस F0 आपको निकालना है। जैसे मान लो F1 माइनस F0 -3 आ गया तो 3 लेंगे, और अगर F1 माइनस F0 5 आ गया तो 5 ही लेंगे। यानी कि साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा बेटा क्या है? Δ2, Δ2 निकालना है। Δ2 कैसे निकलेगा? F1 माइनस F2।
हाँ जी बेटा, उसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोड का। हाँ जी बेटा, मोड को बेटा जेड से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से, अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से, और मोड को जेड से। मोड का बेटा ये फॉर्मूला है, एल प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। ठीक है बेटा, देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इजी है, आपको दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट जब हम सम करेंगे तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो एक सम की हेल्प से बेटा समझते हैं इसको। हाँ जी बेटा, लो जी फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, मैंने एक सम ले लिया, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बेटा मैंने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने ले ली 2, 3, 10, 4, 1। हाँ जी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपको ये बोल दिया गया मोड कैलकुलेट करके दिखाओ, जेड की वैल्यू निकाल के दिखाओ। जेड का मतलब बेटा होता है मोड। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहली बात, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा बताओ कितनी है। वेरी गुड, 10। हाँ जी बेटा, ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास बेटा कौन सी है, ये हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये बेटा क्या आ गई, 20 to 30 क्या आ गई, मॉडल क्लास। इसको बेटा मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहां मैं लिख दूं, मॉडल क्लास इज 20 to 30। यहाँ बेटा कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है, हाँ जी बेटा, ये जो हमारा 10 है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनना। ये बेटा हमारा है F1, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हाँ जी बेटा, 3 बेटा क्या है, F0, F0 का मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास। और मॉडल क्लास के बेटा जो बाद वाली क्लास है 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। इसको F2, ये F2 है। दोबारा से सुनो, F1 क्या है, F1 तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल। इसको बेटा प्री मॉडल बोलते हैं। ये वाली क्लास क्या है, प्री मॉडल, और ये वाली क्लास कौन सी है, पोस्ट मॉडल क्लास के बाद वाली, नेक्स्ट क्लास। तो ये F0 हो गया, F1 हो गया। तो यहाँ मैं लिख दूँ, हाँ जी बेटा, F0 लिख दूँ 3, F1 बेटा लिख दूँ 10, F2, F2 बेटा 4। ठीक हो गया। अब क्या निकालोगे, L लोअर लिमिट भी लिख लो। लोअर लिमिट बेटा कितनी है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये रही 20। और I, I बेटा कितना है, I है 10। अब क्या निकाल लेंगे, हाँ जी बेटा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया मॉडल क्लास, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। अब तीसरे नंबर पे बेटा मैंने क्या बताया था, डेल्टा वन और डेल्टा टू। डेल्टा वन का बेटा क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा वन का बताया था F1 - F0। हाँ जी बेटा, F1 कितना है, 10, 10 में से 3 गया बेटा 7। F1 - F0 भी कर सकते हो, F0 - F1 भी कर सकते हो। 3 - 10 करोगे तो -7 आएगा, बट मैंने बताया था साइन को इग्नोर करना है, हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। और डेल्टा टू का बेटा क्या फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा टू का फॉर्मूला था, हाँ जी बेटा देखो, F1 - F2, डेल्टा टू का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी बेटा, डेल्टा टू का फॉर्मूला है F1 - F2। तो बेटा कितना आएगा बताओ, 10 - 4, 6। हाँ, F2 - F1 भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फोर में से टेन गया, -6 आएगा, तो +6 लेना है, प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करना है। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे? देयर फोर, अब बेटा आपने फॉर्मूला लगा दें। मोड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एल प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और मल्टीप्लाइड बाय आई। लो बेटा वैल्यूज पुट करना जरा इसमें। सबसे पहले एल की वैल्यू, एल कितना है? 20। डेल्टा वन, डेल्टा वन बेटा कितना है? 7। फिर बेटा नीचे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो 7 प्लस 6 और इनटू आई। आई बेटा कितना है? आई का मतलब डिफरेंस, 10। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 प्लस ये हो गया 70 हो गया ऊपर और नीचे 13। हाँ जी बेटा, 70 को 13 से डिवाइड करो बेटा, 70 को 13 से डिवाइड करो, बताना कितना आ रहा है। नहीं गलत बता रहे हो, 70 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, 50, 50। हाँ 5 25.38 ये आंसर आएगा हमारा, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सम बेटा आप निकाल के दिखाओगे मुझे, बताओ आप एक सम कर दोगे? हाँ जी देखो, लो करो जी सम करो फटाफट से। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल 20 to 25, 25 to 30। हाँ जी बेटा, 30 to 35, 35 to 40। हाँ जी बेटा, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। ये है बेटा सब। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है बेटा 5, 7, 8, 28, 15, 12 और 7। हाँ जी बेटा करो इस सम को, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। और जो बच्चा सबसे पहले करेगा वो स्क्रीन शेयर भी करेगा। हाँ जी बेटा, सभी के आंसर बेटा सही है, 38.03। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में बेटा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आपकी क्या ली है आपने? मॉडल क्लास बेटा आपने लिया है 35 to 40, यही लिया है ना? मॉडल क्लास बेटा कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो? तो आपने मॉडल क्लास 35 to 40 ली है। बट मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी मॉडल क्लास लेते हो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपने ली उसके बेटा नेबर्स देख लेना, नेबर, नेबरिंग फ्रीक्वेंसी। 28 की नेबरिंग फ्रीक्वेंसी 8, एक तरफ तो 8 है, एक तरफ 15 है। अच्छा 28 के बाद नेक्स्ट, 28 के बाद जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट वैल्यू जो है 28 से जो लोवेस्ट है वो कौन सी बनेगी? 15 बनेगी। 15 के जो नेबर हैं, 15 के नेबर कौन कौन से हैं? 15 के नेबर एक तो 28 है, एक तरफ 12 है। अब ये बताओ किसके नेबर ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं? 28 के नेबर तो 8 और 15 है, और 15 के नेबर 28 और 12 है। हाँ जी, 15 के जो नेबर हैं 15 के नेबर ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ बेटा थोड़ा सा सुनो जी, यहाँ थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मॉडल क्लास 35 to 40 बनेगी या 40 to 45 बनेगी। तो यहाँ कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को बेटा कैसे दूर करेंगे बताओ? इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे कि मॉडल क्लास 35 से 40 लें या 40 से 45? हाँ जी बेटा, मॉडल क्लास के कन्फ्यूजन को बेटा दूर करने के लिए ग्रुपिंग टेबल बनेगी। हाँ वेरी गुड, ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल, ठीक है जी। और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ग्रुपिंग टेबल बनेगी
एनालिटिकल टेबल बनेगी, फिर बेटा मॉडल क्लास आएगी, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले आ जाओ इस क्वेश्चन की बेटा ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, आ जाओ। हाँ जी, वैसे तो आपने जो बेटा निकाला आंसर सही है, बट एक बार मॉडल क्लास से को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मॉडल क्लास आपकी। हाँ जी बेटा, देखो ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। पहले बेटा मैं सारी क्लासेस लिख लूँ, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। हाँ जी बेटा, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। हाँ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी बेटा क्या क्या थी? 5, 7, 8, 28, 15। हाँ जी बेटा, क्या क्या थी? 5, 7, 8, 28, 28 के बाद 15 और 12। क्लासेस बेटा मैंने कितनी ले ली? 5, 7, 8, 28, 15, 12 और लास्ट में 7 भी है। चलो जी। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ बेटा मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे बताओ ग्रुपिंग टेबल के लिए कितने कॉलम बनाने होते हैं? हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ और बेटा सिक्स्थ। ठीक है जी। अब देखो करना क्या है। फर्स्ट कॉलम तो बेटा फ्रीक्वेंसी का हो गया। सेकंड कॉलम में मैंने बेटा बताया था कितने कितने का सम लेंगे। सेकंड कॉलम में बेटा कितने कितने का सम लेंगे? पेयर्स बनाएंगे टू टू के। तो 5 और 7 का सम, 8 और 28, 36, 15 और 12। हाँ जी बेटा, 27। इसको छोड़ देंगे बेटा, 7 को छोड़ देंगे क्योंकि 7 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा। फिर थर्ड कॉलम में क्या करते हैं? थर्ड कॉलम में इसको छोड़ दो, 5 को लीव कर दो। 5 को छोड़ के फिर दो दो के 7 और 8 का सम, 7 और 8 का बेटा 15। फिर 28 और 15, 28 और 15 का टोटल 43 और फिर बेटा 12 और 7 का 19। लो जी। फिर फोर्थ कॉलम पे आ जाओ। फोर्थ कॉलम में बेटा तीन तीन का टोटल करना है, तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है, 5 और 7 12 और 8 20। हाँ जी बेटा, तीन तीन की ग्रुपिंग करते हैं। 28, 15 और 12 का बेटा टोटल करो। 28 और 12 हो गया 40 और 15 55 हो जाएगा ये बेटा। लो जी, अब आ जाओ फिफ्थ। फिफ्थ कॉलम में, हाँ जी बेटा, फिफ्थ कॉलम में एक छोड़ दो, 5, 5 को छोड़ दो। 5 को छोड़ के फिर तीन तीन की ग्रुप बना लो, 7, 8 और 28, 7, 8 और 28 का टोटल करो, 43। फिर बेटा 15, 12 और 7 का, 15 और 12, 27 और 7, 34। अब आ जाओ बेटा सिक्स्थ पे। सिक्स्थ कॉलम में दो दो वैल्यू को छोड़ना है, 5 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो और अगले तीन तीन का टोटल करते जाओ, 8 और 28, 36 और 15, 51। बस बेटा एक ही बनेगा, 8, 28 और 15। आगे तो बन ही नहीं रहा, 12 और 7 का, 3 का ग्रुप ही नहीं बन रहा, 3 का ग्रुप बेटा सिर्फ एक ही बन रहा है। लो जी। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है? ये हमारी ग्रुपिंग टेबल बन गई, इसके ऊपर मैं लिख दूं। हाँ जी बेटा, ये कौन सी टेबल है? ग्रुपिंग टेबल। अब बेटा नीचे एक टेबल और बनेगी, एनालिटिकल टेबल। अब ध्यान से सुनना, ये टेबल कैसे बनानी है। पहले क्या करो, हाँ जी बेटा, इधर कॉलम नंबर लिख लो। यहाँ कॉलम, कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ।
अब जितने भी कॉलम है उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार कर लो। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ जी बेटा बताओ कौन सी है, 28। सेकंड कॉलम की हाईएस्ट, 36। थर्ड कॉलम का हाईएस्ट टोटल, फोर्थ कॉलम का हाईएस्ट, और फिफ्थ कॉलम का हाईएस्ट, और सिक्स्थ कॉलम का हाईएस्ट। हाँ जी बेटा, ये मार्क कर लेना। हाँ जी बेटा, आप क्या करना है सुनो जी ध्यान से। हाँ जी बेटा, ये मार्क कर लिए। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ। यहाँ बेटा लिख दिया मैंने 20 से 25, यहाँ लिख दिया 25 से 30, यहाँ बेटा 30 से 35, अच्छा यहाँ 35 से 40, यहाँ 40 से 45, यहाँ बेटा 45 से 50, और इधर 50 से 55। ये बेटा लिख लेना। हाँ जी बेटा, इस तरीके से ऊपर ऊपर क्लास इंटरवल लिख लो और साइड में। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है ध्यान से समझो। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखो फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट क्या है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 28। हाँ, इसके सामने क्लास कौन सी है, 28 के सामने क्लास कौन सी है, 35 to 40। हाँ जी बेटा, तो इधर देखो 35 to 40 पे वो लगा देना बार, एक बार लगा दो टैली बार। फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट थी 28, सेकंड कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सेकंड कॉलम की बेटा हाईएस्ट है 36। अब 36 देखो किस किस का टोटल था, 36 बेटा किस किस का टोटल था, 8 और 28 का था। 8 और 28 के सामने देखो कौन कौन सी क्लास है, 8 और 28 के सामने बेटा कौन कौन सी क्लास है, 8 के सामने तो ये रही 30 से 35, और एक 35 है, तो 30 से 35 पे एक बार लगा दो और एक 35 से 40 पे बार लगा दो। चलो जी आगे बढ़ो, थर्ड थर्ड कॉलम पे आ जाओ। थर्ड कॉलम में 43, 43 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है थर्ड कॉलम की, तो 43 किस किस का टोटल है जरा बताओ। 43 बेटा 28 और 15 का टोटल था, 28 और 15 का टोटल था। 28 और 15 के सामने वाला क्लास इंटरवल देखो कौन सा है, 28 और 15 के सामने बेटा एक तो 35 से 40 आएगा और एक 40 से 45, ये दोनों आएंगे 35 से 40, और तो 35 से 40 पे एक तो बार लगा दो और एक 40 से 45 पे लगा दो। चलो जी अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 55। हाँ जी बेटा 55, 55, 55 बेटा बताओ किस किस का टोटल था, 55 था इन तीनों का टोटल, 28, 15 और 12 का। 55 बेटा इन तीनों का टोटल है, 28, 15, इनके सामने की क्लास देखो कौन सी है, 35 से 40, 40 से 45, और तो तीनों पे वो लगा दो, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। चलो जी अच्छा, फिर आ जाओ 55, ये हो गया 55 के बाद 43 पे आ जाओ। 43 बेटा किस किस का टोटल है, 43 टोटल था 7, 8 और 28 का, 7, 8 और 28, इन तीनों के सामने देखो, 7 के सामने 25 से 30 है, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, तो 25 से 30 पे निशान लगा दो। हाँ जी बेटा 25 से 30 पे लगा दो, और एक बार बेटा 30 से 35 पे लगा दो, और एक बार 35 से 40। और अब आ जाओ लास्ट 51, 51 पे बेटा आ जाओ। 51 बताओ किस किस का टोटल है जी, 51 बेटा इन तीनों का टोटल है, 8, 28 और 15 का। 51 बेटा इन तीनों का टोटल बन रहा था, 8, 28 और 15, ये जो 51 टोटल है वो इन तीनों का है, ठीक है। तो इनके सामने 30 से 35, 35 से 40, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। लो बेटा अब क्या करना है। हाँ जी बेटा, अब इनके टोटल करने हैं, जितने भी आपके टोटल, जैसे 20 से 25 में तो कोई आया ही नहीं, इसका टोटल हो गया 0। 25 से 30 में एक ही बार है, यहाँ बेटा कितने बार आए हैं, 3।
यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ बेटा कितने बार हैं? 6। यहाँ बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है? 6। यहाँ बेटा कितना आ रहा है? 3। और लास्ट में यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ बेटा 0 आ रहा है। लो जी, इनके बेटा टोटल करने हैं, और जिसका टोटल हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट टोटल बताओ किसका है, कौन सी क्लास का टोटल हाईएस्ट है? हाँ जी बेटा, सबसे ज्यादा टोटल हाईएस्ट की कौन सी क्लास का आ रहा है? 35-2, ये बेटा हाईएस्ट टोटल ही है। तो ये बेटा जो हमारी क्लास आई है, सुनो जी, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे जी। और मॉडल क्लास के बाद आपको वही करना है जो आपने किया, आपने क्या क्या निकाला, एल की वैल्यू, आई की वैल्यू बेटा, और F0, F1, F2, आगे आगे वही करना है आपको। प्रशांत कह रहे हैं पहले भी वही आ रही थी बेटा, वहां डाउट था, कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को दूर करना है आपको, आपको पेपर में ध्यान रखना है, पेपर में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ वैसे आपका करेक्ट है, आंसर सही है, आपने जो आंसर निकाला 38.03 बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, क्लास बंद होने वाली है, री लॉगिन कर लो।